हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है सावन की फोर्थ सोमवारी, तो आप सभी को सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर से आपके सभी के बीच आई हूँ एक नई जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है ITBP की तरफ से, वेटनरी स्टाफ के लिए 2024 के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी से लगभग 10-15 दिन पहले इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आई थी, क्योंकि उस समय पे इसका शॉर्ट नोटिस निकला था। तो फिलहाल अभी जो है वैकेंसी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वैकेंसी रहेगी। इसमें आपको आई है वेटनरी स्टाफ के तीन तरह के पोस्ट रहेंगे, कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल दोनों के लिए है। ग्रुप सी की भर्ती रहेगी, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए उसके रिगार्डिंग हम लोग इन डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, एग्जाम पैटर्न देखना, दोनों ही चीज़ें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप भी थॉरो आउट रीड कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मैंने बताया कि ITBP में वेटनरी स्टाफ की भर्ती आई है, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, हेड कांस्टेबल ड्रेसर और कांस्टेबल आपका केनल मैन के लिए भर्ती रहने वाला है। टोटल पोस्ट 128 यानी 128 कुल पद रहेगा। इसके लिए ना ऑनलाइन होना 12 अगस्त यानी कि आज से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट यानी जो अंतिम तिथि है 10 सितंबर यानी कि 10th of September 2024 रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को 10 सितंबर तक इंतजार नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। देखिए, फॉर्म फी जो रहेगी ना, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया जनरल OBC और EWS से लिया जाएगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर एक सर्विस मैन हो, या फिर आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल यानी महिला कैंडिडेट हो, तो आपका फी एग्जेम्प्टेड होगा, आपका फी माफ़ रहेगा, कोई फी नहीं लगेगा आपसे, ठीक है। देखिए, अब बात कर लेते हैं एज की लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले जानेंगे किस डेट के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन होगा। टोटल तीन टाइप के पोस्ट है और दो टाइप का एज लिमिट रहेगा। लेकिन सबसे पहली बात कि आपका जो एज कैलकुलेट होगा, गणना की जाएगी एज ऑन 10th of September यानी 10 सितंबर 2024, जो कि लास्ट डेट है ना, वही आपका कट ऑफ डेट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन होगा। देखिए, अब रही बात की एज लिमिट क्या होगी, तो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए 18 से 25 वर्ष यानी 18 to 25 years, हेड कांस्टेबल ड्रेसर और कांस्टेबल केनल मैन के लिए 18 to 27 years, मतलब जो मैक्सिमम एज है बस एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए 25 वर्ष, बाकी के दोनों ड्रेसर और केनल मैन के लिए 27 वर्ष रहेगा। अब जैसा कि पता है कि अपर एज लिमिट में आपको क्या रिलैक्सेशन मिलता है, तो रिलैक्सेशन है OBC के लिए 3 years एंड SC ST के लिए 5 years, मतलब कि 3 साल और 5 साल जो नॉर्मली आपका उम्र सीमा में रिलैक्सेशन होता है वही मिलेगा। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली जिन्होंने भी 10th पास कर रखा है यानी 10वीं पास, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इशू नहीं कि 10th में क्या परसेंटेज है, तो बस 10th है, सिंपल सा आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस किस स्टेज से गुजरेंगे तो सिलेक्शन होगा। यहाँ पर 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कि बाकी के जो भी आपके होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें क्या होता है, पहले स्टेज पर एग्ज़ाम होता है। लेकिन जैसा कि ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, तो इसमें आपका पहला स्टेज पर फिजिकल होगा, PET और PST, जिसमें कि आपका हाइट एंड चेस्ट मेज़र किया जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देखा जाएगा। उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम, फिर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड लास्टली आपका सिंपल सा मेडिकल होगा। उसमें क्वालिफाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को भी इन डिटेल एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, पहले स्टेज पर आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि फिजिकल होगा, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। देखिए, हाइट जो रहेगा ना, मेल के लिए 170 यानी 170 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर। अब ST कैटेगरी वाले जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर।
उसके बाद ना आपका चेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। देखिए 80-85 मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। एसटी कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते होंगे ना उनको 76-81 5 सेंटीमीटर उधर भी है, बस थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद रेस होगा मतलब कि रनिंग दौड़ जो होता है वो होगा मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की है, उनको 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए ये रनिंग रेस आपकी 800 मीटर्स की होती है और उनको 4 मिनट एंड 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है। देन आपका लॉन्ग जंप एंड हाई जंप होता है। लॉन्ग जंप विल बी 11 फीट फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। एंड लास्टली हाई जंप जो रहेगा ना 3.5 यानी 3.5 फीट आपका मेल कैंडिडेट के लिए एंड 3 फीट का फीमेल्स के लिए रहेगा। तो ये आपका फिजिकल है ओवरऑल। आई होप आप फिजिकल तो समझ ही गए होंगे। फिजिकल जो क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट्स उन सभी का फिर एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम के लिए। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे की परीक्षा होती है और इसमें ना निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, डैट इज अ प्लस पॉइंट। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे है कि डाउट है तो आप उसको टिक करके आ सकते हो। क्वेश्चन की अगर बात करें ना तो 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। और फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर 3 तरह के पोस्ट है ना, तो एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा वैरी करता है। तो किसी किसी में जैसे कि अभी वेटनरी स्टाफ का केनल मैन के लिए तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, एनिमल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो एग्जाम पैटर्न मैंने ये मोटा मोटी तौर पे तीनों पोस्ट के लिए बता दिया, लेकिन आप क्या करेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अच्छे से रीड करेंगे तभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की स्पीड को बूस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये तो था एग्जाम, एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही आपको देखिए ये एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगा और जॉब भी अक्रॉस इंडिया में, जहां पर भी आईटीबीपी आपको एक सीट अलॉट करेगी वहां पर आपको सर्व करना पड़ सकता है। और आपको तो पता है कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है तो आपको बॉर्डर एरिया में ही सब में आपका जॉब रहता है। अब जॉब के दौरान सैलरी क्या मिलती है ये देख लीजिए, सैलरी बहुत ही अच्छी है, स्टार्टिंग में 25,500 मेंशन किया गया है। तो आप समझ सकते हो शुरू में आपको 35,000 से 40,000 मिलेगा, बाद में सैलरी बढ़ा के 81,100 है लेकिन बढ़ के आपका 90,000 से 1,00,000 के बीच में हो जाता है। तो आई होप कि इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी अब तक आपको मिल गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो हेजिटेट नहीं करना है, देखिए आप कमेंट करोगे तभी आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे यूजफुल लगे तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।